इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय पूजा जायसवाल डे 8 फ्यूचर टेंस को भी प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन, प्रिया विल स्टडी, प्रिया पढ़ेगी, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। सेकेंड वन, प्रिया विल बी स्टडिंग, प्रिया पढ़ रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन, प्रिया विल हैव स्टडीड, प्रिया पढ़ चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ वन, प्रिया विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, प्रिया सुबह से पढ़ रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब विल शैल। अजय, क्या तुम खेलोगे? इन इंग्लिश, अजय विल यू प्ले? विजय, नहीं खेलूंगा। इन इंग्लिश, विजय नो आई वॉन्ट। अजय, क्या तुम कल आओगे? इन इंग्लिश, अजय विल यू कम टुमारो? विजय, हाँ आऊंगा। इन इंग्लिश, विजय यस आई विल। अजय, क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? इन इंग्लिश, अजय विल यू स्टे हियर टुनाइट? विजय, नहीं मैं लौट जाऊंगा। इन इंग्लिश, विजय नो आई विल गो बैक। अजय, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? इन इंग्लिश, अजय विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? विजय, नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इन इंग्लिश, विजय नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। अजय, ठीक है बाय। इन इंग्लिश, अजय ओके बाय। विजय बाय। इन इंग्लिश, विजय बाय। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी। राजेश, क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? इन इंग्लिश, राजेश विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? शिवा, हाँ मैं कल इस समय दिल्ली पहुंच रहा होऊंगा। इन इंग्लिश, शिवा यस आई विल बी अबाउट टू रीच दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। राजेश, क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? इन इंग्लिश, राजेश शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो? शिवा, हाँ। शिवा यस वी विल बी। राजेश, क्या हम मुंबई बार बार आते रहेंगे? इन इंग्लिश, राजेश शैल वी बी कमिंग टू मुंबई अगेन एंड अगेन? शिवा, हाँ। इन इंग्लिश, शिवा यस वी विल बी। राजेश, ठीक है फिर मिलेंगे बाय। इन इंग्लिश, राजेश ओके सी यू सून बाय। शिवा, ठीक है बाय। इन इंग्लिश, शिवा ओके बाय। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव। अंजना, क्या वह जा चुकी होगी? इन इंग्लिश, अंजना विल सी हैव गॉन? रंजना, नहीं। इन इंग्लिश, रंजना नो सी वॉन्ट हैव। अंजना, क्या तुम अगले महीने तक कलकत्ता से आ चुकी होगी? इन इंग्लिश, अंजना विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कोलकाता बाय नेक्स्ट मंथ? रंजना, हाँ मैं तब तक वहां से आ चुकी होंगी। इन इंग्लिश, रंजना यस आई विल हैव कम बैक बाय देन। अंजना, क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? इन इंग्लिश, अंजना विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो? रंजना, हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी।
In English, Ranjana, yes, I will have finished an important chapter of my life. Anjana, क्या तुम्हारा भाई कनाडा से आ चुका होगा? In English, Anjana, will your brother have returned from Canada? Ranjana, नहीं, वो कनाडा से नहीं आ चुके होंगे. In English, Ranjana, no, he won't have. Future perfect continuous tense. Helping verb will have been, shall have been. Prabhat, क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? In English, Prabhat, will you have been sleeping at this time tomorrow? Sudhir, नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा. In English, Sudhir, no, probably I shall have been studying at this time. Prabhat, और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? In English, Prabhat, and what will your brother Rajiv have been doing? Sudhir, वह दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा होगा. In English, Sudhir, he will have been preparing to leave for Delhi. Prabhat, ठीक है, bye. In English, Prabhat, okay, bye. Sudhir, bye. In English, Sudhir, bye. Remember, future tense may generally he, she, it, you or any name etc. के साथ will और IV के साथ shall का प्रयोग किया जाता है. लेकिन यदि IV के साथ will और he, she, it, they, you और any name etc. के साथ shall का प्रयोग होता है तो वहाँ उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है. For example, first one example, I will not play tomorrow. Second one example, you shall not return. इन वाक्यों का अर्थ कुछ इस प्रकार होगा. First one का, मैंने कल नहीं खेलने का निश्चय किया है, अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूंगा. एंड सेकेंड वन, तुम बिल्कुल नहीं लौटोगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे. प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.